जय हिंद फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंकित, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि आप अक्सर देखते होंगे और आपको बहुत ये चीज़ें हटके भी लगती होंगी, और आप शायद हो सकता है कि ये जो वीडियो देख रहा हो आप भी इस प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। जी हाँ, आप अक्सर देखते होंगे जो हमारी गर्दन होती है, गर्दन अक्सर देखेंगे बहुत गिरर, ये कॉलर है उस तरफ मैं फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, तो काली हो जाती है, वहाँ का जो कलर होता है थोड़ा डार्क हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और बताएंगे इस वीडियो में मैं कि अगर आपकी गर्दन सांवली होती जा रही है तो आपको क्या करना चाहिए और किन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो कुछ हम गलतियाँ करते हैं उस पर भी हम बात करेंगे, तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और मैं आज आपको कुछ ऐसे नुस्खे भी बताऊँगा जो कि आप बहुत ही ईजली तरीके से आप उसको कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, अगर आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा सांवली होती जा रही है तो आपको करना क्या है, तो मैं आपको पहली मेडिसिन इसमें है जो कि बहुत ही कारगर होती है। अगर आपकी गर्दन सांवली होती जा रही है तो आपको एक होम्योपैथी की मेडिसिन है आयोडीनम। आयोडीनम 30 में आप सुबह दोपहर शाम 5-5 बूंद अपने टंग पे ले, बहुत बेहतर रिजल्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके साथ में आप सल्फर 1 ml हफ्ते में एक बार लीजिए। अगर आपके गर्दन के अत्यधिक पसीने हो रहे हैं तो उस कंडीशन में आप सल्फर 1 ml का सेवन ज़रूर करें, हफ्ते में एक बार करें या 15 दिन पे सल्फर 1 ml का सेवन करना चाहिए। मैं फ़ोटो लगा के दिखा दे रहा हूँ आयोडीन मेडिसिन का, और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपकी गर्दन सांवली होती जा रही है तो आपको आयोडीनम 30 से शुरुआत करना चाहिए और 200 तक जाते जाते छोड़ देना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस दवा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये प्रूफ है, वैज्ञानिक द्वारा सत्य बात है। तो मेरे वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।